अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आप लोग सब कैसे हैं? हमारे देखने वाले अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे, आपकी दुआ सब भी ठीक ठाक हैं। और अभी इस टाइम में खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। आज हम बनाएंगे चिकन का कीमा और अफ्तारी में बनाएंगे आज हम चने की दाल की कचौरी। आज हमारा कचौरी खाने का मूड हो रहा था और ये हमारे नुमान की फेवरेट है। देखना जब तक कचौरी बनेगी नुमान साहब की नीयत इसमें लगी रहेगी। अभी मैं कीमा देखिए कीमा वॉश करूँ भैया। शहरी के लिए सालन बनेगा, हम लोग शहरी के लिए बनाते हैं। और ये भी ये आलू है तरकारी के लिए, आलू बॉइल करने रखेंगे, पहले तरकारी बनाएंगे। कचौरी में सब तरकारी खाई जाती है तो ये तरकारी बनेंगे। पहले आलू धो लें, पहले से ही जैसे जैसे रेसिपी बनाएंगे वैसे वैसे आपके साथ शेयर करेंगे। देखिए कचौरी के लिए हम मैदा गूंध रहे हैं, इसमें थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ा सा ऑयल डाला है। अब हम इसको गूंदना स्टार्ट करते हैं। पहले ऑयल और ये चीज़ें मिक्स कर लें। अच्छा, इसको सख्त भुना जाता है सही, क्योंकि बाद में पेड़ गिर जाते हैं। थोड़ा सा गुल्ले थोड़ा को, ये देखें हमारा मैदा गुन चुका है। इस तरह बिल्कुल सख्त सख्त गुलिएगा, कितना सॉफ्ट। और जो मैदे की थैली होती है उसी के अंदर आप इसे रखते हैं, मैदे को चीन रखते हैं। इससे क्या हुआ, ये हवा नहीं लगेगी और ये मसाला को नाम मैदा। सही कचौरियों का मैदा हमारा तैयार है। अब आगे इनके जैसे जैसे चीज़ उतने आएंगे वापस से शेयर करेंगे। आज हम बना रहे चिकन का कीमा और हमने ये दो तीन प्याज लिए, उनका छोटा करा और फिर हमने थोड़ा सा जीरा डाला है। और ये हमारा कीमा, ये भी साथ ही डाला चिकन का कीमा। चार टमाटर हैं, दो से तीन हरी मिर्च हैं, राजी चलती कटी मिर्च है, हल्दी है, नमक है, ये मसाले। प्याज को ब्राउन करिए, हल्का सा करके फिर डालें। साथ ही मसाले भी डालेंगे। बस इसी पानी में पकेगा टमाटर हमारा गर्म, समझो कीमा तैयार है। फिर ऊपर से हल्दी डालेंगे, फिर जैसे तैयार कर कचौरी के साथ जो हम तरकारी बनाएंगे उसके साथ आपको चीज़ें बता देंगे। एक चमचा कलौंजी है, नमक है, हल्दी है, कुटी हुई मिर्च है एक चम्मच, और ये इसमें हमने डाला है थोड़ा सा कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता धो के वाश करके सुखा के रखा है। अब इन सब चीज़ों को पहले मिक्स करेंगे और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। आप लोग भी आज अफ्तारी में, आज आज मैं आपको बताऊंगी तो आप लोग कल अफ्तारी में ज़रूर कचौरी बनाइएगा, बहुत मज़ा आकर खाने में। मैं कचौरी बनाऊँगी, आधा किलो मैदे की मैं आज आपको कचौरी बनाना सिखाऊंगी। ये भी है तरकारी जो है, एक पाव आलू की है माशाल्लाह, एक पाव आलू की तरकारी लोग तो सारे लोग खा लेंगे। बस इसे अच्छी तरह फेंट के थोड़ी देर हम पकाएंगे, एक बॉईल देंगे आलू पकेंगे, बस एक बॉईल देंगे और ना तरकारी देंगे। तो जैसे तरकारी बनती है तो आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारा कीमा तैयार हो चुका है, हरा धनिया भी डाल दिया माशाल्लाह से,
लेकिन झटपट चिकन का कीमा तैयार है। और ये यहाँ पे हमारी कचौरी की तरकारी भी तैयार है। अभी इसको पतला किया भाई, ठंडी होने के बाद गाढ़ी हो जाती है। चलिए अभी आपसे मिलते हैं, इसी तरह हमारे से बने लीजिएगा। आपको भी दिखाएंगे कि किस तरह पेड़े बनेंगे। ये किस तरह पेड़ होंगे और ये थोड़ी सी दाल इस तरह बूटी से लेके इस तरह बन गई। पहले जब सारे पेड़ तैयार होते हैं उसको जो है फ्राई करेंगे, फिर आपको आपसे मिलेंगे। हमने कचौरी फ्राई करना शुरू कर दिए। देख लीजिए पूरी पूरी सी कचौरी है मसाले से। ये देखिए इस तरह भेजी जाती है, लेकिन पेड़ा में इस तरह देगा। और इसके बाद मैंने रायता भी बनाया और गाड़ी के अंदर रायता रायता डाल के खाएंगे तो थोड़ा थोड़ा मजा करना। ये अलहम्दुलिल्लाह सब सारे काम से फारिग हो चुका है इस टाइम। और ना हमारी कचौरियाँ भी बन चुकी हैं, सालन भी हमारा पक गया है। और आज की जो भी रोटी थी मैंने आपके साथ शेयर करी, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी दोनों रेसिपी भी पसंद आएगी। और हमारे चैनल पर जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं कराया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को पूरा वॉच करें और प्यारा सा छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें। चलिए इसके साथ इजाज़त दीजिए आलिया को और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निकेमान।